hello students and respective viewers today i'm going to teach the story the king's choice of seven standard english and it is a lesson number 1.4 okay this is the story of the king lion and his courtiers three courtiers and the his one friend camel okay now let's start with our story and see what would have uh, happened next in this story and before start with video i would like to tell you if you are not subscribed to our channel please subscribe like share our videos and not forget to press bell icon to get notification about our next upcoming videos now let's start with our story okay there was once a lion who was king of the forest as we all know lion is the king of the forest okay there was once a lion ek फॉरेस्ट का जंगल का राजा था ही वॉज बिग वो बड़ा था एंड स्ट्रांग एंड बहुत ताकतवर था एंड वेरी फियर्स एंड बहुत ही ज्यादा भयंकर और क्रूर भी था फियर्स का मतलब है भयंकर या फिर क्रूर ऑल द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट कॉल्ड हिम किंग बाकी जो एनिमल्स थे फॉरेस्ट में रहने वाले उसको क्या बुलाते थे किंग बुलाते थे दे ब्राउट हिम गिफ्ट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट एंड वो सारे एनिमल्स उसके लिए फॉरेस्ट के हर एक कोने से गिफ्ट ला के देते थे बट द मोर द लायन हैड और जितना लायन को मिलता जा जाता था द मोर ही वॉन्टेड उसको उतना ही ज़्यादा चाहिए था अ किंग मस्ट हैव अ कोट ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे एक दिन लायन खुद से ही बोला क्या अगर मैं किंग हूँ तो मुझे कोट भी चाहिए ओके okay? किस लिए कि एज अ लाइ एज अंग वो क्या कर सके डिसीजन ले सके ओके ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हीज साइड एंड उसने किस को बुलाया फिर फॉक्स को बुलाया ओके यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएटर फॉक्स एंड उसने फिर क्या बोला फॉक्स को आप क्या हो वाइज एंड क्लेवर वाइज मीन्स मतलब क्या होता है यहाँ पे बुद्धिमान जिसको गुड जजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं हम उसको बोल सकते वाइज एंड क्लेवर क्लेवर मीन्स बहुत होशियार क्रिएचर्स का मतलब है यहाँ पे एनिमल ओके okay? तो लायन ने क्या बोला फॉक्स को कि तुम बहुत ही बुद्धिमान होशियार एनिमल हो ओके सेड द लायन लायन ने ऐसा बोला आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइजर एंड फिर लायन ने उस उसकी इच्छा बताई कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एडवाइज़र बनो एडवाइज़र मीन्स कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो दूसरों को एडवाइस देता है मतलब क्या करना चाहिए कैसा निर्णय लेना चाहिए ये सब जानकारी देने वाले को क्या बोलते हैं एडवाइज़र जो कि दूसरे को एडवाइस देता है सलाह देता है थैंक यू यो मैजेस्टी अभी फॉक्स क्या बोलता है थैंक यू यो मैजेस्टी मैजेस्टी ये जो वर्ड है किस के लिए यूज किया जाता है कि किंग को किंग के बारे में बोलने के लिए रिस्पेक्ट जताने के लिए मैजेस्टी शब्द का यूज किया गया है सेड द फॉक्स बोवी लो ऐसा किसने बोला सेड द फॉक्स फॉक्स ने बोला बोवी लो दैट मीन्स नीचे झुक के फॉक्स ने रिस्पेक्ट जता के क्या बोला थैंक यू योर मैजेस्टी द लायन नेक्स्ट कॉल्ड लेपर्ड टू हीज साइड फिर लाइन ने किसको बुलाया लेपर्ड को उसके साइड में यू आर नोन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फुट लेपर्ड अभी क्या बोल रहा है लाइन उसको यू आर नोन टू बी वॉचफुल दैट मीन्स वॉचफुल मीन्स वॉट वेरी क्लोजर लुक दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा निरीक्षण शक्ति जिसमें होती है हम उसको क्या बोल सकते हैं वॉचफुल जो छोटी छोटी चीज़ों के भी आसानी से देख लेता है एंड स्विफ्ट ऑफ फुट दैट मीन्स वो आपको बहुत तेजी से दौड़ने वाला प्राणी स्विफ्ट ऑफ फुट मीन जो बहुत तेजी से दौड़ सकता है ओके आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड एंड लाइन उसको क्या बनाना चाहता है अभी खुद का बॉडी गार्ड बनाना चाहता है थैंक यू योर मैजेस्टी सेठ पर बोविंग लो ओके okay, जैसे फॉक्स ने किया था उसने क्या बोला थैंक यू योर मैजेस्टी एंड बोविंग लो ओके okay, अब उसने भी झुक के किंग को क्या बोला थैंक यू बोला द लायन देन कॉल्ड अ वर्चर टू हीज साइड फिर लायन ने किसको कॉल किया वल्चर को कॉल किया ओके यू आर अ बर्ड वल्चर क्या है एक बर्ड है पक्षी है ओके यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई जो कि बहुत ऊपर उड़ सकता है बहुत ज़्यादा हाइट में उड़ सकता है यू आर टू बी माई मैसेंजर एंड उसको क्या बना अभी किंग क्या बना जाता है उसको लाइन क्या बना जाता है मैसेंजर जो कि मैसेज उसको लाके दे ओके थैंक यू यूर मैजेस्टी सेड द वर्ल्चर वोवी लो उन दोनों की तरह वल्चर ने भी क्या किया अभी नीचे झुक के उसको किंग को क्या बोला थैंक यू बोला द फॉक्स द वर्ल्चर एंड द लेपर्ड ट एंड ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग उन्होंने क्या किया अभी तीनों जो क्रिएटर थे वो क्या रहेंगे हमेशा लॉयल रहेंगे किंग की, की तरफ से ओके दैट मीन्स वो किंग को कभी धोखा नहीं देंगे और जैसा किंग बोलेंगे वैसा ही वो करते जाएंगे ओके उसको क्या बोलते हैं ओथ ऑफ लॉयल्टी जो कि उसने हमेशा के वचनबद्ध रहने का वचन रहने के लिए क्या किया एक वचन दे दिया उसको the king promised to give them food and protection. उसके बदले में king ने that means, ने उसको क्या दिया फूड एंड प्रोटेक्शन खाना एंड उनको क्या दिया प्रोटेक्शन दैट मीन रहने के लिए जगह आश्रय दे दिया उनको फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ क्लाइंट किंग कुछ समय के लिए ऑल वेंट वेल दैट मीन्स सब कुछ अच्छा चल रहा था ओके किंग्स के कोर्ट में द थ्री कोर्टियर्स नेवर अपोज द किंग जो थ्री कोर्टियर्स थे दैट मीन्स की फॉक्स वर्ल्चर एंड लेपर्ड जो थ्री कोर्टियर्स थे लायन के वो कभी उसको अपोज नहीं करते दैट मीन्स कभी उसका विरोध नहीं करते थे जैसा लायन कहते थे, थे कहता था वैसे ही वो थ्री कोर्टियर्स उसको फॉलो करते थे हीज़ विशेज वेयर अ लॉ उसकी लाइन की जो भी इच्छा होती थी उसका उन वो उनका नियम ही बन जाती थी दैट मीन्स उसकी हर एक इच्छा पूरा पूरी करते थे वो कोर्टियस वेन एप ही रोज दे स्टूड इन एव जब भी वो रोर करता था जब भी वो गर्जना करता था तब वो क्या करते थे वो उन उनका रिस्पेक्ट जताते थे ओके दैट मीन्स उस उनको जो ग्रेट रिस्पेक्ट है लाइन के अकॉर्डिंग वो क्या करते थे वो दिखाते थे दैट मीन्स हम उसको क्या बोल सकते हैं विस्मयपूर्ण आदर जताते थे, थे जब लायन रोर करता था वेन एवर ही टुक अ वॉक जब लायन चलता था दे फॉलोड हिम तो उसके पीछे पीछे वो भी चलते थे वेन द लायन किंग वेंट हंटिंग जब लायन किंग हंटिंग दैट मीन्स शिकार के लिए जाता था दे फाउंड द एनिमल्स फॉर हिम टू किल वो उनके लिए एनिमल ढूंढ के लाते थे और उसको मारने के लिए खाने के लिए ओके एंड आफ्टर ही हैड हीज मील द लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम ओके जब वो खुद का खाना खा लेता था ओके आफ्टर ही हैड हीज मील दैट मीन्स लाइन जब उन उसका खाना खा लेता था ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम एंड बाकी बच्चों किसके लिए रखता था उसके कोर्टियस के लिए रखता था सो दे अलवेज हैड इनफ टू ईट तो वो उसके लिए क्या होता था कि उनके लिए हमेशा खाने के लिए बहुत सारा दैट मीन्स उनको जितना चाहिए उतना मिलता था ओके इन वन डे वल्चर केम बैक दैट मीन्स वल्चर एक, द, एक दिन फ्लाइट पे गया थे दैट मीन्स वो आकाश में उड़ने के लिए गया था और वापस आ गया योर मैजेस्टी हैव यू एवर इटर्न अ कैमल एंड उसने क्या पूछा योर मैजेस्टी दैट मीन्स उसने लायन को बोला हैव यू एवर इटर्न अ कैमल एक लायन को एक क्वेश्चन पूछा आपने कभी लायन को खाया है he asked उसने पूछा it is a very tasty और उसने बोला कि वो बहुत ज़्यादा tasty होता है I ate it once in the desert मैंने उसको एक बार खाया था कब desert में खाया था okay the lion had never seen a camel lion ने कब camel को कब पहले कभी नहीं देखा था but he liked the idea of trying camel's meat लेकिन उसको जो uh, idea दी थी vulture ने वो पसंद आई कि एक बार कैमल्स का मीट ट्राई करना चाहिए खा के देखना चाहिए लाइन ने कैमल को पहले कभी क्यों नहीं देखा था क्योंकि कैमल डेजर्ट में रहता है और लाइन फॉरेस्ट में रहता है ओके एंड उसके आइडिया पर सुधाने के बाद देखो अभी वो आगे क्या करते हैं बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल ही आस्ट दे देन अभी लाइन पूछता है वल्चर को कि हमें लाइन कहाँ पे मिलेगा देर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे अभी सम माइल्स कुछ अंतर पे क्या है वहाँ पे एक डेजर्ट है ओके ऐसा किसने बोला सेड द वल्चर वल्चर ने बोला आई वॉज़ फ्लाइंग ओवर इट मैं वहाँ पे वहाँ से उड़ के आया हूँ वेन आई सॉ अ लोन कैमल नॉट फार अवे जब मैंने देखा अ लोन कैमल मीन्स ओनली वन अकेला कैमल वहाँ पे था नॉट फार अवे दैट मीन्स यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था दूर नहीं है इट लुक्ड बिग एंड फैट वो बहुत बड़ा है एंड उसमें बहुत सारा मांस भी है फैट मींस वो बहुत ज़्यादा उस पर उसको मांस है द लायन लुक्ड एट हीज़ अदर एडवाइजर्स अभी लायन ने क्या किया दूसरे एडवाइजर्स जो थे दैट मीन्स फॉक्स एंड लेपर्ड उस उनकी तरफ देखा दे वेयर वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड दे वेयर वाइज वो क्या थे वाइज मीन्स उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था वो बुद्धिमान थे उसके पास बहुत सारा मतलब वो अच्छा जजमेंट दे सकते थे एंड एक्सपीरियंस थे उनको बहुत बड़ा ज़्यादा अनुभव था ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन अभी लाइन को क्या चाहिए था उनका ओपिनियन चाहिए था दैट मीन्स वो उनसे उनका ओ, ये जानना चाहता था कि आपका कहना क्या है इस बारे में ओके okay, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है आपकी क्या राय है नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट अभी फॉक्स एंड लेपर्ड वो भी फॉरेस्ट में रहते थे लाइन किंग की तरह उनको भी डेजर्ट पता नहीं था बट दे डिड नॉट वॉन्ट द वल्चर टू सीम वाइजर दैन देम लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे कि वल्चर क्या करे उनसे ज्यादा मतलब लॉन को ऐसा लगे कि वल्चर ही उनसे ज्यादा क्या है वाइज दैट मीन्स बुद्धिमान है और बहुत ज़्यादा उनसे ज़्यादा जानता है इसलिए उन्होंने क्या बोला सो दे सेड सीन्स इट बॉज द वर्ल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे तो उन्होंने क्या बोला ये अगर वल्चर ने हमें आइडिया दी है अगर वल्चर हमें ये बता रहा है तो वो हमें लीड करेगा दैट मीन्स वो हमें क्या करेगा हमें हमारा रास्ता दिखाते हुए हमें हमारे रास्ते पे ले जाएगा अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे दिन ओके okay? सुबह सुबह द लायन एंड हीज कोट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल हंट अभी लायन एंड हीज कोट लायन एंड हीज कोट मीन्स वो जो तीन कोर्टियर थे उसके दैट मीन्स वो चारों मिला के कहाँ चले गए स्टार्टेड ऑफ़ अब अभी यहाँ पे स्टार्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि निकल पड़ना ओके okay. वो क्या कर कर रहे थे अभी कैमल के हंट पर दैट मीन्स कैमल का शिकार करने, कर, करने के लिए निकल पड़े थे दे रीच्ड द एज ऑफ द डेजर्ट ईजिली ओके अभी जहाँ से डेजर्ट uh, का एरिया स्टार्ट हो जाता है ओके एज मीन्स हम क्या बता सकते हैं okay, कि बॉर्डर ओके किनारा डेजर्ट जहाँ डेजर्ट का बॉर्डर जहाँ से स्टार्ट हो जाता है वहाँ से वहाँ तक वो ईजिली पहुँच गए रीच मीन्स पहुँचना बट आफ्टर लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट देन पर लेकिन उन्होंने जब फॉरेस्ट का शेल्टर शेल्टर मीन्स वर्ड की जो उनका टेम प्रोटेक्शन होता है जहाँ पे वो रहते हैं ओके उनका आश्रय था फॉरेस्ट वहाँ पे वैसे जैसे ही उन्होंने वो आश्रय छोड़ दिया द डे बिकेम वेरी हॉट जैसे जैसे वो फॉरेस्ट से निकल के डिजर्ट में जा रहे थे वैसे वैसे क्या हो रहा था बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगने लगी ओके दैट मीन्स वो सन बहुत ज़्यादा तेज तेजी से धूप छोड़ने लगा द सन शोन डॉन विथ फायर हॉट रेज अभी सन से जो रेज निकल रहे थे वो बहुत ही ज्यादा हॉट रेज थे ओके okay? बहुत ही ज्यादा हीट महसूस हो रही थी उनको नाउ नेक्स्ट हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू वल्चर तो ऊपर ठंडी हवा में फ्लू कर रहा था दैट मीन्स वहाँ पे वो ऊपर उड़ रहा था हरी अलॉन्ग ही कॉल्ड उसने बोला जल्दी जल्दी चलो द कैमल इज़ नॉट फार ऑफ कैमल ज़्यादा दूर नहीं है फार ऑफ मीन्स ज़्यादा दूर नहीं है नॉट फार ऑफ मीन्स ज़्यादा दूर नहीं है बट द लाइन कुड नॉट हरी एनी मोर बट अभी लाइन क्या कर रहा था उसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी नहीं जल्दी चल नहीं पा रहा था द हॉट सैंड जो गर्म गर्म सैंड थी एंड हैड बर्न ही स्पॉज दैट मीन्स उसकी वजह से उसका क्या हो रहा था उसके पॉज दैट मीन्स कुछ उसका जो फुट था हम बोलते हैं उसको पंजा बोल सकते हैं वो क्या हो रहा था अभी जल रहे थे उसके पंजे ही कुड गो नो फर्दर अभी वो आगे चल नहीं पा रहा था जा, जा नहीं सकता था स्टॉप ही शाउटेड टू द अदर्स अभी उसने क्या बोला स्टॉप रुक जाओ दूसरे लोगों को उसने चिल्ला के रुकने के लिए बोल दिया अस गो बैक टू द फॉरेस्ट चलो हम अभी वापस चलते हैं फॉरेस्ट आई डो नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट मुझे कोई कैमल का मीट नहीं खाना है ओके द लाइन्स किंग्स एडवाइजर्स वेयर फ्राइटन्ड अभी लायन्स किंग जो एडवाइजर्स थे वो क्या हो गए डर गए ओके फ्राइटन मीन्स वो डरना द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डि नॉट नो हाउ टू गेट द लाइन बैक होम अभी फॉरेस्ट जो हो था वो बहुत ज़्यादा वो फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा दूर आ चुके थे उन्होंने बहुत अंतर चल के आ गए थे वो उन्होंने अभी उनको पता नहीं था कि लाइन को वापस उसके घर या फिर फॉरेस्ट में कैसे वापस लेके जाना है ओके द लेपर्ड वॉन्टेड टू रन अवे लेपर्ड ने क्या किया लेपर को ऐसा लग रहा था कि मैं अभी यहाँ से भाग चला जाऊँ द वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लाइन लेटर ऑन अभी वल्चर को क्या कर लग रहा था वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट अभी वो उसको लग रहा था कि अभी हम क्या करते हैं वेट करते हैं अभी हम क्या करेंगे इंतज़ार करेंगे एंड इट द लाइन लेटर ऑन अभी वो वो क्या कर रहा उस वो क्या चाहता था कि वो बाद में लायन को खा जाए बट द क्लेवर फॉक्स थाट ऑफ अ प्लान लेकिन फॉक्स बहुत ज़्यादा क्लेवर रहता है वो बहुत ज़्यादा होशियार और स्मार्ट क्रिएचर है ओके okay? बहुत होशियार एनिमल है तो क्या कर रहता है कि उसके पास एक प्लान था वो उस प्लान पे सोचने लगा ऑफ इन टू द डेजर्ट ही रैन सेग अभी उसने क्या किया डेजर्ट सेट दूर भागना स्टार्ट कर दिया ओके okay? एंड क्या बोला आई विल ब्रिंग सम हेल्प मैं क्या करता हूँ आपके लिए कुछ मदद लेके आता हूँ आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल अभी थोड़ा थोड़ी देर भागने के बाद उसको क्या मिला फॉक्स मिला सॉरी कैमल मिला ओके द कैमल वॉज इन डीड सरप्राइज टू सी हिम ओके कैमल क्या हो गया सरप्राइज हो गया सरप्राइज दैट मीन्स वॉट द फीलिंग ऑफ सरप्राइजिंग आश्चर्यचकित हो गया किसको देख के फॉक्स को देख के क्योंकि कैमल जो है डेजर्ट में रहने वाला एनिमल है फॉक्स जो है फॉरेस्ट में रहने, रहने वाला एनिमल है तो क्या हो गया वो वास्तव में क्या हो गया आश्चर्यचकित हो गया उसको देख के हरी अप फ्रेंड कैमल सेड द फॉक्स अवर किंग वॉन्ट्स यू एट वान्स ओके तो अभी कैमल फॉक्स ने कैमल को क्या बोला हरी अप फ्रेंड फ्रेंड उसको फ्रेंड करके बोल दिया ओके okay, जल्दी करो हमारे किंग जो है आपको एक बार मिलना चाहते हैं ओके यो किंग सेट द कैमल कैमल ने बोला आपके किंग कौन है वो हु इज दैट दैट मीन्स आपके किंग कौन है आई डोंट डो नॉट नो एनी किंग मुझे कोई किंग पता नहीं मुझे किसी मैं किसी राजा के बारे में नहीं जानता आई ओनली नो माई मास्टर मुझे सिर्फ मेरे मास्टर के बारे में पता है मास्टर में इस वहाँ पर हम उसको बोल सकते कि पर्सन की जो एनिमल को कंट्रोल करता है उसको हम क्या बोल सकते हैं कैमल का स्वामी बोल सकते हैं उसका मालिक बोल सकते हैं फॉर होम आई कैरी गुड्स एकर द डिजर्ट अभी जिसके लिए मैं क्या करता हूँ गुड्स मीन्स डैट मीन्स जहाँ से वहाँ चीज़ें क्या कर सकता करता हूँ कैरी करता हूँ एकरॉस मीन्स वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में जो गुड्स है दैट मीन्स वो सामान कैरी करने का काम मैं करता हूँ मेरे मास्टर के लिए अवरकिंग द लाइन है स्किल्ड योर मास्टर अभी देखो फॉक्स क्या बोलता है अभी फॉक्स कैमल को झूठ बोल रहा है कि हमारे किंग जो है लायन उन्होंने क्या किया आपके मास्टर को मार डाला है नाउ यू आर फ्री अभी आप क्या हो फ्री हो आपको कोई मतलब आपका कोई मालिक नहीं है एंड लायन हैज़ इन्वाइटेड यू टू लाइव एट हीज़ कोर्ट कम अलॉन्ग एंड अभी आपको लायन ने इन्वाइट किया है आमंत्रित किया है कि आप हमारे कोर्ट में रह सकते हो आके कम कमलोंग चलो मेरे साथ चलो कम विथ मी कम कमलोंग मीन्स कम विथ मी मेरे साथ चलो द कैमल फॉलोड द फॉक्स अभी कैमल ने क्या किया उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको लगा कि उसका मास्टर खुद वाकई किल किया है लायन ने तो वो क्या कर दिया फॉक्स के पीछे पीछे च, चलना उसने भी शुरू कर दिया वेन द फॉक्स एंड द कैमल रीच द लायन्स कैम्प द वल्चर एंड द लेपर्ड वेर सरप्राइज जब फॉक्स एंड कैमल लायंस के कैंप में जा पहुंचे ओके द वल्चर एंड द लेपर्ड वेर सरप्राइज्ड जो वल्चर एंड लेपर्ड थे वो क्या हो गए सरप्राइज हो गए दैट मीन्स उन वो क्या हो गए आश्चर्यचकित हो गए इवन द लायन लुक्ड प्लीज स्पाइट ऑफ हिज बर्न पॉज अभी लायन क्या हो गया था प्लीज दैट मीन्स वो हैप्पी दिखाई दे रहा था आनंदित दिखाई दे रहा था क्यों जब तक कि उसके मतलब इन स्पाइट ऑफ मीन्स इवन दो हम बोल सकते हैं इवन दो जब उसके पैर भी जल गए थे फिर भी वो क्या दिखाई दे रहा था कुछ दिखाई दे रहा था द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग कैमल को क्या कर दिया प्रेजेंटेड कर दिया दैट मीन्स किंग के सामने ला के खड़ा कर दिया ही एग्रीड टू सर्व द लायन इन रिटर्न फॉर अ होम एट हीज कोर्ट अभी क्या कर दिया उसने क्या कर दिया ही एग्रीड टू सर्व द लायन इन द रिटर्न फॉर अ होम एट हीज कोर्ट दैट मीन्स लायन को उसको सर्व करने के लिए दैट मीन्स जब उसके कोर्ट में पहुंचेंगे तो सर्व करने के लिए उसने एग्री कर दिया गेट ऑन द कैमल्स बैक यूर मैजेस्टी सेट द फॉक्स वी विल रिटर्न होम ओके दैट मीन्स अभी वो कैमल की मदद से क्या कर रहे थे उसके घर उसके कोर्ट पे वापस जा रहे थे ओके okay? अभी कहा कैसे जा, जाना था उनको गेट ऑन द कैमल्स बैक दैट मीन्स कैमल के बैक पे पीठ पे बैठ के ओके okay? फॉक्स ने क्या बोला की आप कैमल के पीठ पे बैठ जाइए हम क्या करेंगे हम अपने घर अभी वापस चले जाएंगे वी विल रिटर्न होम दैट मीन्स हम हमारा घर वापस चले जाएंगे द लाइन एट वंस जम्प ऑन द कैमल्स बैक लाइन ने क्या किया जम्प कर दिया कैमल्स बैक पे कैमल्स के पीठ पे ही कोर्टियर्स द फॉक्स एंड द लेपर्ड जम्प अप बिहाइंड हिम एंड उसके जो कोर्टियर्स थे लाइन के उन्होंने भी क्या कर दिया कैम लाइन ने जम्प करने के बाद उसके पीछे पीछे लेपर्ड फॉक्स एंड इसने भी उनके पीछे जम कर दिया और उसके पीछे